नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, भोपाल से जो इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, माफ करिएगा, लखनऊ से खबर, जहां बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला आएगा। तो 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपी इसमें बनाए गए हैं, जिसको लेकर लखनऊ की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। तो 48 आरोपी थे, लेकिन जिसमें से 16 आरोपियों का निधन हो गया है और अब आडवाणी, जोशी, उमा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो आरोपी बनाए गए हैं, इस मामले में आज फैसला आएगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता अंकुर अर्धवर्यू का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आज इस मामले में, बाबरी विध्वंस मामले में लगभग 28 साल बाद फैसला आने वाला है और इस फैसले पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा पूरे देश की जनता की निगाहें भी टिकी हुई होंगी, क्योंकि एक तरफ तो राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है, दूसरे तरफ इस मामले में, विध्वंस मामले में आज बड़ा फैसला। जी बिल्कुल जया, लगभग 28 साल बाद आज फैसला आने वाला है। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा। 32 इसमें आरोपी हो चुकी, 48 आरोपी थे, 16 लोगों का इसमें निधन हो चुका है। इसमें 32 आरोपी जो बनाए गए थे उनसे पहले ही उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उसके बाद आज 16 तारीख को ये तय किया गया था कि 30 तारीख को यह आज फैसला सुनाया जाएगा। उसी के चलते आज लखनऊ की स्पेशल कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी। इसमें आपको बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, जयभान सिंह पोमैया समेत लगभग 32 आरोपी हैं जिनके बारे में आज फैसला सुनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि एक तरफ राम मंदिर का काम चालू हो गया, वहीं इसी मामले में दूसरी तरफ जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें फैसला आज आने वाला है और सभी लोगों को आज के फैसले का इंतजार है। लेकिन यह माना जा रहा है कि आज का जो कोर्ट का फैसला है, भले ही सबकी निगाहें टकी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है, ऐसा माना जा रहा है कि वो आरोपियों के प्रति नरम हो सकता है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है अंकुर जी कि आज जो फैसला आने वाला है बीजेपी के, क्योंकि कई बड़े दिग्गज इस मामले में शामिल हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, यानी कि आज का फैसला इन आरोपियों के राजनीतिक इतिहास में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर फेवर में आया तो एक बड़ा फैसला इनके हित में, और अगर इनके फेवर में नहीं आता है, इनके खिलाफ आता है, तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है राजनीतिक इतिहास में। चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, ये भाजपा के सभी दिग्गज नेता हैं, एक तरह से कह सकते हैं भाजपा को सींचने वाले नेता हैं। उसके बाद जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया है और राम मंदिर के बनाने के पक्ष में फैसला आ गया है, तो बाबरी विध्वंस में जो आरोपी बनाए गए थे उनके लिए आज जो फैसला आने वाला है उस पर सभी की निगाहें टंगी हुई हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि संभवतः जो फैसला आएगा वो इनके पक्ष में आ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज इनके इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। प्लीज और स्पष्ट करिएगा, क्या ये जो तमाम दिग्गज है, हालांकि जयभान सिंह पवैया तो पहुंचे हैं इस मामले में लखनऊ, लेकिन बाकी जो दिग्गज है, क्या वो जाएंगे, क्या कोर्ट के सामने आज फैसला सुनाया जाएगा तो उसमें पेश होंगे? लगता है संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तो आपको बता दें कि 28 साल बाद बाबरी विध्वंस केस
जिसका फैसला आज आएगा। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है, वहीं विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज फैसला आएगा। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया था, उसे गिरा दिया था। और इस मामले में आरोप लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत उमा भारती समेत कई बड़ी हस्तियां, 48 लोगों पर इसका आरोप लगा था। इनमें 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 32 जो आरोपी बचे हुए हैं उनको लेकर आज बड़ा फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाने जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी।